हाय प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं सॉल्व करूंगा 7.8 के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं 4 क्वेश्चन मैं तक सॉल्व कर चुका था, आज मैं सॉल्व करूंगा 5 क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा है, ई पर एक्स डी एक्स लिखा है। तो आपको मैं सूत्र बताया था, ए अपर होता है, क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो ए बराबर का होता है -1 और बी बराबर का होता है 1 होता है। इसका मैं बेसिक में पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो यहाँ आपका एन एच बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यानी क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। एन एच बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो आपको समझ आया होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं सूत्र आपको बताया था कि अगर फलन ए हो तो इसका मान ए होता है, अगर फलन ए प्लस एच हो इसका मान क्या होता है, ए प्लस एच होता है। फलन समान तो ये बता चुका था। तो देखिए यहाँ फर्क इतना ही है, अगर यहाँ लिख सकते हैं हम फलन ए प्लस 2h, तो इसका मान का ए प्लस 2h होगा। तो सूत्र तो मैं आपको स्पेशल बता ही चुका था, लेकिन चलिए देखिए यहाँ ई पर है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए वही होगा जो आप पहले लिखते थे। देखिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, देखिए ए लिमिट है, ये है एच है, एच क्या है, 0 है, ये तो जानते हैं। वहाँ लिखते थे हम ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिखते थे, हम ए लिखते थे ना। फर्क इतना ही था कि यहाँ ई है, ई पर हम लिखते चले लिखेंगे ई पर ए, ई पर हो जाएगा ए प्लस, ई प्लस ए प्लस एच, फिर का हो जाएगा ई पर हो जाएगा ए प्लस 2h हो जाएगा, ई का हो जाएगा ए प्लस 3h हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट हो जाएगा ई पर ए प्लस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, ये होगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र तैयार हो गया जब ई पर ए रहेगा। तो चलिए अब हम ए बराबर क्या लिखा, -1 है, ए बराबर -1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगा, ये चाहिए है, एच क्या हो गया, 0 हो गया, बहुत ई पर -1 हो गया, ई पर -1 प्लस का हो गया एच हो गया, ई पर -1 प्लस का हो गया 2h हो गया, ई पर -1 प्लस का हो गया 3h हो गया, प्लस डॉट डॉट का हो गया ई पर -1 प्लस एन -1 इंटू का हो गया एच हो गया। देखिए ई पर -1 यहाँ है, ई पर -1 अगर हम कॉमन ले लें, हाँ चलिए अगर हम ई पर 1 माइनस 1 यहाँ कॉमन ले रहे हैं, -1 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ बच का रहा है आपका, यह कुछ बच नहीं रहा है, यहाँ का बच रहा है, यहाँ बच रहा है ई पर एच बच रहा है ना। देखिए यहाँ का बचेगा 1 बचेगा, यहाँ यह निकाले हैं 1 बचेगा ना, यहाँ का लिखेंगे ई पर एच लिखेंगे, ई पर का 2h हो जाएगा, ई पर का हो जाएगा 3h हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट का हो जाएगा ई पर हो जाएगा एन -1 इंटू एच हो जाएगा, ये होगा ना। तो ई पर एच हो जाएगा यही है ना, तो यहाँ एक कॉमन ले लिया तो आपको बचा क्या, 1 प्लस ई पर एच, ई पर 2h, ई पर 3h है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि जब कोई समांतर श्रेणी में होता है, ए हो, ए प्लस एच हो, ए प्लस का हो, ए प्लस एच, ए एच स्क्वायर हो, चाहे ए बी के रूप में पढ़े थे हम, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर क्यू ऐसा पढ़ते गए थे ना, इसका सूत्र होता था कि जब कोई गुणोत्तर श्रेणी में हो तो उसका योगफल का सूत्र होता था ए 1 माइनस आर पर एन बटे 1 माइनस आर। ए आप सूत्र पढ़े थे तो यही सूत्र मैं यहाँ लगाऊंगा। फर्क इतना ही है कि यहाँ 1 1 है, आर का ई पर आर बराबर का, इसमें इससे भाग देते हैं तो हमें आर का मान निकल जाता है। तो हम आप पीछे फर्स्ट में पढ़े होंगे इस सब चीज़ को, अगर नहीं तो भी बता देंगे हम। देखिए एच हो गया, एच लिमिट हो ही गया, देखिए ई पर -1 है तो योगफल के सूत्र से सूत्र बन जाएगा। तो ए बराबर 1 है और फिर इससे 1 माइनस ई पर का हो जाएगा, आर होता है ई पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा और फिर 1 माइनस ई हो जाएगा, यही होगा आपका सूत्र हो जाएगा। सूत्र पर रखेंगे यही चीज़ आएगा। अब देखिए एच है ना, एच को आप नीचे भेज सकते हैं तो लिख सकते हैं लिमिट ये 0, इसको लिख सकते ई पर -1, एक से गुणा परिवर्तन होगा नहीं, ई पर -एच है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई अपान एच, इसको लिख सकते हैं ना। देखिए और लिमिट, देखिए लिमिट 1 माइनस ई बटे एच का मान होता है 1, ये मान होता है ना, यानी इसका मान कितना 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं आप जब लिमिट हटाएं, क्यों क्यों होगा, क्योंकि जब
ENH बराबर 2 हो तो इसका मान रखेंगे माइनस 1 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, जब इसको लिमिट ही 0 मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका e पर माइनस 1, ये तो आपका मान 1 हो गया, यहाँ का 1 माइनस e पर EH। जब इसको आप लिख सकते हैं, ये मिटा के लिख दे रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस रहने दे, ई पर माइनस 1 इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस ई पर ये छह है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ई पर माइनस 1 है ना, इसको लिख सकते हैं ई, ई लिख सकते हैं ना, ई पर एन है, ई पर एन हो या ई पर एन ना हो, देखिए जब इसको मैं सूत्र लगाऊंगा, देखिए कि यहाँ एन एच छूट गया है, जब एच जाएगा यहाँ से तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ छह यहाँ हो जाएगा ई एन एच हो जाएगा, आपका एन एच हो जाएगा ना, यहाँ एच हो जाएगा, यहीं एच छूट गया था और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एन एच का मान क्या मान है आप, 2 आया आपका, आया है 2 आया है, यही मान कहा है आपका 2 है। अब इस पर क्या है, ई पर है तो ई पर ही है, इसको लिख सकते हैं माइनस 1, ई लिख सकते हैं माइनस में क्या हो गया प्लस ई स्क्वायर अपन का ई है, तो इसको आप काट दें तो एक ई बचेगा, यानी इसको पहले लिख सकते हैं, इसको 1 अपन ई बाद में लिख सकते हैं, यही का हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हमें उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, अगर नहीं समझ कमेंट के फिर से बताऊंगा, और क्वेश्चन मैं जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ आपको सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन एक में जोड़ दिया गया है और वो दोनों प्रकार के मैं क्वेश्चन को बता दिया हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और मैं अगले वीडियो में 7.9 के वीडियो को सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।